हरी संतोष या संतू भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिरिस्ट और डायरेक्टर हैं, जिन्हें हम बेसिकली कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जानते हैं और ज़्यादातर कनाडा ऑडियंस और फैंस इन्हें संतू के नाम से ही पुकारते हैं। इन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन मूवीज़ को डायरेक्ट किया है और इनके करियर की फर्स्ट मूवी थी अलेमारी, जो मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म रही थी, और आजकल यह अपनी मूवी बाय टू लव और बम्पर के लिए चर्चा में बने हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में संतू सर की एज ए डायरेक्टर के तौर पर हिट और फ्लॉप मूवीज़ को जानेंगे और इनका बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर वन, अलेमारी। यह डायरेक्टर संतू के करियर की फर्स्ट मूवी थी, जिसकी लीडिंग स्टार कास्ट में योगेश, राधिका पंडित और राकेश दिखाई दिए। मूवी 2012 में रिलीज हुई और 4.5 की से नेगेटिव IMDb रेटिंग प्राप्त हुई। हालांकि मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से एक हिट फिल्म साबित हुई और योगेश सर के करियर की यह बेस्ट मूवीज में से एक मानी जाती है। नंबर टू, डार्लिंग। इस मूवी का भी डायरेक्शन किया संतू ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में और योगेश और मुक्ता दिखाई दी। मूवी 2014 में रिलीज हुई और मूवी ने ठीक ठाक कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई। नंबर थ्री, कॉलेज बॉय या कॉलेज कुमार। मूवी का डायरेक्शन किया संतू ने। मूवी में विक्की वरुण, सिमुक्ता हेगड़े और पी रविशंकर दिखाई दिए। मूवी 2017 में रिलीज हुई और 7.4 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी ने 10 करोड़ का कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर फोर, विक्ट्री 2। इस मूवी का डायरेक्शन किया संतू ने। मूवी में शरण, अस्मिता सूद और नसर दिखाई दिए। मूवी 2018 में रिलीज हुई और 6.5 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंबर फाइव, बिच्छू गाड़ी चैप्टर 1। इस मूवी का डायरेक्शन किया संतू ने। मूवी में राजवर्धन, हरिप्रिया और प्रभाकर दिखाई दिए। मूवी 2020 में रिलीज हुई और 5.6 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कलेक्शन नहीं किया और 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 15 करोड़ का कलेक्शन किया और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। नंबर सेवन, बाय टू लव। यह संतू सर की अपकमिंग मूवी है, जिसकी लीडिंग स्टार कास्ट में धनवीरा और श्रीलीला दिखाई देंगी और यह मूवी हमें 18 फरवरी को बॉक्स ऑफिस फ्लोर पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस मूवी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। इनकी नेक्स्ट मूवी है बम्पर। इस मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में भी हमें धनवीरा और उनके साथ रामचंद्रन राजू, जिन्हें हम गरुड़ा के नाम से जानते हैं, वो दिखाई देंगे और यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी होगी। और कहा जा रहा है कि इस मूवी का बजट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो जिस वजह से इसे मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी डब करके रिलीज किया जा सकता है और यह मूवी हमें साल 2023 तक देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था डायरेक्टर संतू का हिट और फ्लॉप कंप्लीट करियर एनालिसिस। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं जल्दी आपको एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप बन रही हमारे साथ। धन्यवाद।